मैं हूं सुनील सर और आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई वीडियो और ये नया चैप्टर है जिसका नाम होगा रेडियो एक्टिविता। इंग्लिश में इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर की तुरंत ज़रूरत है, इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। इस चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविता, मतलब रेडियो एक्टिविटी। आइए सर, हम देखना चाहेंगे इस अध्याय का मुख्य स्टार प्रश्न क्या क्या है, किस तरह से आपको जानकारी होना चाहिए, शॉर्टकट में इस चैप्टर को हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिए, ध्यान से सुनिए। पहला मेरा क्वेश्चन क्या बनता है सर, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविता का खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है हेनरी बेकेरल ने। तो यहाँ पर मिल जाएगा रेडियो एक्टिविता का खोज हेनरी बेकेरल ने किया था। सर, इसके लिए हम एक जादुई ट्रिक बनाए हैं, इस ट्रिक को आप बिल्कुल देखेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। इसका नाम है बहेरी। यहाँ पर देखिए, बहेरी इसका ट्रिक है। ब का मतलब हो जाएगा बेकेरल, बेकेरल, और यहाँ से ह का मतलब हो जाएगा हेनरी, और र का मतलब हो जाएगा रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि रेडियो एक्टिविता का खोज हेनरी बेकेरल ने किया था। ये मेरा ट्रिक कहता है। आप बिल्कुल ट्रिक को अच्छे से देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविता का खोज किसने किया था, हेनरी बेकेरल ने किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बल्कि सन भी लिख देते हैं, ये घटना कब घटी थी, 1896 ईस्वी में। तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे सर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ये भी ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि रेडियम का खोज किसने किया था। तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने की थी। इसका ट्रिक है सर राख, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे राख, इसका मतलब र का मतलब हो जाएगा रेडियम, र का मतलब हो गया रेडियम, आ क का मतलब हो जाएगा क्यूरी। तो इनका शॉर्टकट नाम होता है क्यूरी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने की थी, बिल्कुल आपको मिलेगा देखने के लिए। अगला मेरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो एक्टिविता का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर मिलेगा रेडियो एक्टिविता का एस आई मात्रक, एस आई मात्रक बेकेरल है। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी अपवाद कभी कभी बनती है सर। यदि यह क्वेश्चन अगर आ गया इंडियन एयरफोर्स में, अगर यह क्वेश्चन आ गया IAS एंड PCS में, तो आपका आंसर हो जाएगा बेकेरल। लेकिन यही प्रश्न यदि आर्मी में आ जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना होगा, इसलिए कि क्यूरी को वहाँ पर मान्यता मिली है, सेना क्यूरी को मानती है। तो यहाँ पर मिल जाएगा रेडियो एक्टिविता का SI मात्रक क्यूरी होता है,
यह किसके लिए है? तो स्पेशल आर्मी के लिए है। ध्यान से समझेंगे, आर्मी के सभी सेट पेपर में इसका आंसर क्यूरी ही देता है, इसलिए आप यहाँ पर इसको क्यूरी याद रखेंगे। सर बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, रेडियोएक्टिविटी का एसआई मात्रक बेकरल होता है और रेडियोएक्टिविटी का एसआई मात्रक क्यूरी होता है। अगर मान लीजिए विकल्प में दोनों में से देख लीजिए, अगर कोई एक ही है तो वही राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप अच्छे से इसको उतारिए, ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता दिए। अब हम इसको आगे ले चलते हैं, आपको ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि रेडियो एक्टिविटी की घटना में कौन सी किरणें बाहर निकलती है, तो सर राइट आंसर है अल्फा, बीटा और गामा। तीनों किरणें बाहर निकलती है। यहाँ पर मिल जाएगा रेडियो एक्टिविटी की घटना में अल्फा, बीटा, गामा किरणें बाहर निकलती है। अल्फा, बीटा, गामा किरणें बाहर निकलती है। इसमें पूछ देता है, सर ध्यान से सुनिए, कहता है कि अल्फा किरणें कितनी मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है? तो 0.002 सेंटीमीटर। अल्फा किरणें एल्युमिनियम की जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेंटीमीटर मोटी चादर को भेद सकती है। बिल्कुल मिल जाएगा, अल्फा किरणें एल्युमिनियम की 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला देखेंगे सर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्फा किरणों पर कितना आवेश होता है? तो राइट आंसर है 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा किरणों पर 2 इकाई धनावेश होता है। यहाँ पर अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। यहाँ पर प्लस लगा देते हैं क्योंकि इस पर धनात्मक आवेश होता है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, अगला पूछ देगा कि अल्फा किरणों का द्रव्यमान कितना होता है? तो अल्फा किरणों का द्रव्यमान 6.645 × 10⁻²⁷ kg होता है। बिल्कुल देख सकते हैं सर, अल्फा किरणों का द्रव्यमान 6.645
गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। अगला मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मिलेगा कि बीटा किरणें कितनी मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती हैं, तो इसका राइट आंसर है 0.02 सेंटीमीटर। यहाँ पर मिल जाएगा बीटा किरणें 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम लिखने का दो तरीका है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों को देखेंगे। एल्युमिनियम आपको समझना है, बीटा किरणें 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकते हैं। ये पूछ देगा बीटा किरणें प्रायः होता है, तो यह तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बीटा किरणें प्रायः इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बीटा किरणें प्रायः इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से सुनिए, रेडियोएक्टिविटी की घटना से कौन सी किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा किरणें बाहर निकलती है। अल्फा किरणें एल्युमिनियम की 0.002 सेंटीमीटर मोटी चादर को भेद सकती है। अल्फा किरणों पर 2 इकाई धनावेश होता है, अर्थात +3.2×10⁻¹⁹ कूलम होता है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान 6.645×10⁻²⁻¹⁷ केजी होता है। बीटा किरणें 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेज सकती है। बीटा किरणें प्रायः इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत बार पूछा है कि बीटा किरणें क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। लिखने के बाद अब हम इसके आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हम आपको बताना चाहते हैं, सर एक क्वेश्चन आ गया था अल्फा किरणों पर, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। कहेगा कि अल्फा किरणें हीलियम परमाणु का होता है क्या, तो इसका राइट आंसर है सर नाभिक होता है। यहाँ पर देखेंगे, मिला सकते हैं अल्फा किरणें हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। मिला सकते हैं अल्फा किरणें हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अगला मेरा क्वेश्चन मिल जाएगा सर, यही क्वेश्चन इस रूप में मिलेगा, मतलब आगे आप समझिए। क्वेश्चन बनता है कि गामा किरणें की बेधन क्षमता होती है तो सबसे अधिक होती है। यहाँ पर मिलेगा गामा किरणों का बेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। कह देगा गामा किरणों का वेग कितना होता है,
तो गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मिल जाएगा गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, बराबर होता है, अर्थात 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये पूछ देता है कि गामा किरणें कौन सी तरंगे होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। गामा किरणें कौन सी तरंगे होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अल्फा किरणें से एक और भी प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिए। पूछता है कि अल्फा किरणों में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर समझेंगे, अल्फा किरणों में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। पूछ देगा कि अल्फा किरणों में क्या नहीं होता है, तो सर अल्फा किरणों में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पर मिला सकते हैं, मिलेगा अल्फा किरणों में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बिल्कुल आप देख करके उतारेंगे, पहले इसको रिवीजन करा देते हैं। अल्फा किरण हीलियम परमाणु का क्या होती है, तो नाभिक होता है। गामा किरणों का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अल्फा किरणों में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा किरणों में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पूछा जा सकता है कि अल्फा किरणों में क्या नहीं होता है, तो अल्फा किरणों में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बिल्कुल अच्छे से देख करके राइट करें। अब देखेंगे इसके आगे, हम आपको ले चलेंगे सर, मिलाइएगा। अब हम आपको आगे बताना चाहते हैं, क्वेश्चन करेगा कि बीटा किरणों का द्रव्यमान कितना होता है। यहाँ पर मिलाइए, बीटा किरणों का द्रव्यमान 9×10⁻³⁻³ kg होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान 9×10⁻³⁻³ kg होता है। यही पूछ देगा बीटा किरणों पर आवेश कितना होता है, तो बीटा किरणों का आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है।
ये कह दिया रेडियो एक्टिविटी के कितने मात्रक होते हैं, तो सर इसका चार मात्रक होते हैं। यहाँ पर मिल सकता है रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी का चार मात्रक होते हैं, मात्रक होते हैं। पहला है बेकेरल, दूसरा है विघटन प्रति सेकेंड, तीसरा है क्यूरी, चौथा है रदरफोल्ड। बिल्कुल आप देख सकते हैं एक एक में रिलेशन जानिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर, कहेगा एक बेकेरल कितने विघटन प्रति सेकेंड के बराबर होता है, तो एक विघटन प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अगला मेरा क्वेश्चन है सर, ये ध्यान से सुनिए, अगर ये क्वेश्चन कर दिया नेक्स्ट में कि एक क्यूरी बराबर कितना विघटन प्रति सेकेंड होता है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 3.7 × 10^10 विघटन प्रति सेकेंड होता है। अगला मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सर, यहाँ पर एक रदरफोल्ड 10^6 विघटन प्रति सेकेंड होता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से, अगर यही पूछ दिया इस रूप में कि एक क्यूरी बराबर कितना रदरफोर्ड, एक क्यूरी इज इक्वल टू कितना रदरफोर्ड, तो यहाँ पर देखेंगे ये मिल जाएगा 3.7 × 10^4 रदरफोर्ड। बिल्कुल आप देख करके राइट कीजिए अच्छे तरीका से, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लिख दिए। अब देखिए इतना लिखने के तुरंत बाद अब हम इसके आगे चलते हैं। सर मिलाएंगे, अगला क्वेश्चन है, कहेगा कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु भार में क्या परिवर्तन होता है, तो उसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर समझ सकते हैं किसी रेडियो रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक बीटा कण निकलता है तो प्राप्त नए तत्व के परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। अगला मेरा क्वेश्चन है सर,
कि अर्धाय का सूत्र बताइए, अर्ध आयु का सूत्र ये होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान में के। यहाँ पर जान सकते हैं जहाँ टी हाफ इज इक्वल टू अर्धायु और के इज इक्वल टू विघटन स्थिरांक, विघटन स्थिरांक। अगला मेरा क्वेश्चन है सर, अर्धायु तथा औसत आयु में, औसत आयु में संबंध, संबंध टी इज इक्वल टू 1.44 गुणे टी हाफ, टी हाफ ये हो जाएगा आपका औसत आयु और ये आपका टी हाफ हो जाएगा अर्धायु। बिल्कुल अच्छे तरीका से देख करके उतारिए, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक बीटा कण निकलता है तो प्राप्त नए तत्व के परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्धायु का सूत्र टी हाफ बराबर 0.693 अपान में के, अर्धायु तथा औसत आयु में संबंध टी इक्वल टू 1.44 गुणे टी हाफ होता है। इसमें जानदार प्रश्न ये है सर, हमेशा आया है, यह आर्मी में भी आ सकता है, यह एनडीए में भी आ सकता है और ये एयरफोर्स और नेवी में भी आ सकता है। तो स्पेशल आप इस बात को ध्यान देंगे, अच्छे तरीका से राइट कीजिए। अब मेरा क्वेश्चन कहता है सर, ध्यान से समझेंगे, कहेगा कि अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करने का ट्रिक। यहाँ देखिए, यह हो जाएगा अल्फा कणों की संख्या बराबर a1 - a2 / 4। यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा a1 बराबर पहला परमाणु भार और a2 इज इक्वल टू दूसरा परमाणु भार। इसी तरह से सर अगला मेरा है बीटा कणों की संख्या ज्ञात करने का ट्रिक, ज्ञात करने का ट्रिक क्या है। तो ये होता है सर बीटा इज इक्वल टू 2α - z1 - z2। अल्फा कणों की संख्या जितना आया रहेगा उसको यहाँ रख देंगे तो बीटा कणों की संख्या आ जाएगा। ये z1 z2 क्या है, पहला परमाणु भार, पहला परमाणु भार और z2 इज इक्वल टू दूसरा परमाणु भार। बिल्कुल आप देख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 2α
माइनस जेड वन माइनस जेड टू। अगला मेरा क्वेश्चन है सर इस तरह से कि रेडियोएक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा तथा अंतिम मात्रा या माने शेष मात्रा में क्या संबंध है। यहाँ पर मिलेगा रेडियो रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा तथा शेष मात्रा में संबंध ये मिल जाएगा n इज इक्वल टू एन जीरो एक बटा दू के पावर n। बिल्कुल आप देख सकते हैं n बराबर एन जीरो एक बटा दू के पावर n। कौन क्या है ये भी देखिए, n बराबर हो जाएगा शेष मात्रा, एन जीरो हो जाएगा प्रारंभिक मात्रा, आ स्मॉल एन हो जाएगा वा अर्ध आयु काल। वा का अर्थ है सर पांचवा छवा सातवा आठवा, माने इस तरह से आपसे पूछेगा। यहां पर मिल जाएगा कि विघटन में लगा कुल समय का सूत्र बताइए, विघटन में लगा कुल समय t इज इक्वल टू एन गुणे टी हाफ। बिल्कुल आप सबके बारे में जानते हैं t क्या है विघटन में लगा कुल समय, n क्या है वा अर्धायु काल, टी हाफ क्या है अर्धायु। अभी ऊपर दिखाए थे टी हाफ, तो टी हाफ क्या है अर्धायु। तो सर आपको हमने इतना फार्मूला बताया कि अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करना है तो अल्फा बराबर ए वन माइनस ए टू बाई फोर, ए वन बराबर पहला परमाणु भार, ए टू बराबर दूसरा परमाणु भार। बीटा कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, बीटा बराबर टू अल्फा माइनस जेड वन माइनस जेड टू। अल्फा कणों की संख्या को अल्फा से, ये बीटा है, जेड वन क्या है पहला परमाणु भार, जेड टू क्या है दूसरा परमाणु भार। यहाँ से मिलेगा रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा तथा शेष मात्रा में क्या संबंध है, एन इज इक्वल टू एन जीरो वन बाई टू के पावर एन, एन शेष मात्रा है, एन जीरो प्रारंभिक मात्रा है, एन क्या है वा अर्धायु काल है, विघटन में लगा कुल समय टी इज इक्वल टू एन गुणे टी हाफ। सर यह चैप्टर का जो मुख्य इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, मतलब ये कि इसका सारांश इसके अंदर ही कंपटीशन में पूछेगा सर, पक्का है गारंटी के साथ। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इट मीन्स कल आपको लाइव क्लास में, कल 11 बजे लाइव क्लास होगी फिजिक्स का, और मैथ का होगा 8:30 से लेकर 9:30। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और 12th के लिए आपको लाइव क्लास मिलेगा सर 9:30 से लेकर 10 बजे तक फिजिक्स, और 10 से लेकर 10:45 तक आपको केमिस्ट्री का लाइव क्लास मिलेगा। तो आप कल लाइव क्लास देखना ना भूलेंगे, आपके और हमारी मुलाकात लाइव क्लास में भी होगा। धन्यवाद।